Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So if you are new here, hi, I am Sustava Roy and welcome to another video. आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स जो कि ये सोच रहे हैं कि उनको क्या क्या खरीदना चाहिए फॉर स्टार्टिंग देयर मेकअप एंड स्टफ. सो या विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज द किस ब्यूटी हाइलाइट्स एंड कंटूर स्टिक. सो ये जो स्टिक है, ये बेसिकली मैंने आज से करीब 2 साल पहले खरीदा था एंड दिस वर्क्स सो वेल टिल नाउ. जो स्टिक जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, दिस इज अ 2-in-1 स्टिक. जी हाँ, और इसमें एक साइड में आपको हाइलाइट्स मिलता है जो कि आप कंसीलर भी बोल सकते हो, लाइक इट वर्क्स लाइक अ कंसीलर एंड इट हेल्प्स टू हाईलाइट योर फेस. और एक साइड में आपको मिलता है कॉन्टोर जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल इसका कलर है एंड बिल्कुल भी आपके स्किन पे ये हार्श लाइन नहीं छोड़ता है. इस प्रोडक्ट का जो टेक्सचर है इतना क्रीमी है और इतने अच्छे से हमारे स्किन में ये ग्लाइड हो जाता है, लाइक आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. और ये जो मुझे रिसीव हुआ था, इसका जो पैकेट है एक्चुअली, मतलब इसका जो कवर है, ये कवर मेरे पास अभी नहीं है बट आई एम अटैचिंग द कवर टाइट हियर इन द स्क्रीन, यू कैन सी इट. और ये मैंने खरीदा था फ्लिपकार्ट से एंड दिस इज अवेलेबल इन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एवरीवेयर. और इसका प्राइस करीब आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा ये आप. और फ्लिपकार्ट अमेजोन में तो हमेशा ही कोई ना कोई सेल चलता है, डिस्काउंट तो चलते रहते हैं, सो यू कैन चेक इट आउट. सो आपको इजीली ये 100 to 150 में ये आपको मिल जाएगा एंड इसका प्राइस उससे ज़्यादा नहीं है. ये जो स्टिक हमें रिसीव होता है, इसका जो बॉडी है ये प्लास्टिक का है और दोनों साइड में जो हमें जो कवर्स मिलते हैं ये काइंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक का, जैसे हम लोगों को मिलता है, जैसे मेडिसिन का भी जो ऊपर का रहता है कैप, उसी तरह का है. सो ये थोड़ा सा जो है ये लूज हो जाता है टाइम के साथ साथ और ये मेरा कवर जो है ये बहुत ज़्यादा गुम भी जाता है, सो मुझे ये बहुत संभाल के रखना पड़ता है. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इज़ वेरी हैंडी एंड ईजी टू कैरी एनी वेयर. इसका साइज भी बहुत क्यूट है, छोटा सा है, आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हो एंड दोनों का ही काम इससे चल जाता है. एंड बेसिकली आपको मैं दिखाती हूँ इसका कॉन्टोर का जो शेड है, जस्ट लुक एट द टेक्सचर एंड हियर इज द कलर. आई होप आपको दिख रहा होगा इसका कलर. एंड ये बहुत ही इजी टू ब्लेंड है, लाइक आप जस्ट देख सकते हो, जस्ट लुक एट इट. मतलब इतने अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है हमारे स्किन में. आप मेरे मेकअप के वीडियोस भी देखते होंगे तो आपको ये प्रोडक्ट तो बहुत बार नजर आया होगा बिकॉज आई यूज इट अ लॉट. जिसका इस कॉन्टोर का जो कलर है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत डार्क नहीं है. एंड कभी कभार क्या होता है, अगर हम बहुत डार्क कलर का कॉन्टोर शेड यूज़ करते हैं हमारे स्किन पे, सो उससे लगता ही है कि हमने कुछ आर्टिफिशियल सा कॉन्टोरिंग करने का कोशिश किया है हमारे स्किन के ऊपर एंड इट डज नॉट लुक गुड. और इसलिए मैं हमेशा इस कॉन्टोर स्टिक को ही अप्लाई करती हूँ मेरे हर एक वीडियोज़ में. और अगर हम बात करते हैं इसके हाइलाइटिंग स्टिक पे, लाइक ये बहुत अभी कम ही बचा है क्योंकि मैं इसको बहुत 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 यूज़ करती हूँ एंड इसका भी फॉर्मूलेशन सेम ही है, लाइक एक स्ट्रोक में ही आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलने वाला है. जस्ट सी, एंड ये भी बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है गाइस. एंड इसका कवरेज भी बहुत ही अच्छा है. अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैं करके दिखाती हूँ. मैं इसको थोड़ा सा अपने अंडर आईज पे लगा लेती हूँ क्योंकि फिलहाल अभी मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं लगाया है. आई हैव नॉट यूज्ड एनीथिंग ऑन माय फेस राइट नाउ. सिर्फ मैंने थोड़ा सा टिंटेड एक लिप बाम लगाया हुआ है और मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया है, मॉइस्चराइजर भी नहीं. एंड मैं अभी आपको ये थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये कैसे आपके स्किन में ब्लेंड होता है एंड हाउ इज द पिगमेंटेशन एंड एवरीथिंग एंड कवरेज एंड ऑल. सो आप देखिए,
मैं अपने फिंगर्स से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जस्ट लुक एट द कवरेज गाइस, इंस्टेंटली इसने मेरे फेस को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे बर्थ स्पॉट पे कैसा काम करता है एंड इसका कवरेज कितना है। तो हर किसी का एक थोड़ा सा पिगमेंटेशन रहता है आईज के अराउंड पे। इसने कितने अच्छे से इस प्रोडक्ट ने मेरे जो पिगमेंटेशन है उसको कवर कर लिया है। या आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक यूजफुल प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ, एक बात मैं इस प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहती हूँ, स्पेशली जो हाईलाइट स्टिक है, इससे आपको जो है एक वाइटिश इफेक्ट मिलने वाला है। लाइक ये आपके स्किन टोन से लाइटर है। बेसिकली आप इसको फाउंडेशन के अल्टरनेटिव में मत यूज करिए, क्योंकि ये आपके फेस में एक बहुत ही वाइटिश इफेक्ट छोड़ने वाला है, क्योंकि कभी कभार अननेचुरल लगता है। लाइक फाउंडेशन से हमारे स्किन में जो एक नेचुरल इफेक्ट आता है वो इससे नहीं आता है। फिर भी आप इसको ऐसे ही नॉर्मली अगर आप कहीं पे भी बाहर जाते हो तो थोड़ा सा अपने अंडर आईज पे अप्लाई कर लो और थोड़ा सा अपने जो डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। सो इट इज़ रियली गुड टू गो एंड मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही कन्वीनियंट लगता है। एंड द मेन थिंग इज कि आपको एक ही प्रोडक्ट में दोनों चीज़ें मिल जाता है, तो ये बहुत और भी कन्वीनियंट हो जाता है फॉर ऑल द बिगिनर्स आउट देयर, कि आपको एक ही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना होगा टू गेट टू थिंग्स एट अ सेम प्लेस। तो या इसके जो परचेस लिंक्स है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो अगर आपको खरीदना है तो आप इजीली खरीद सकते हो। सो यही तक था आज का वीडियो, और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यू और डेमो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, आपके लिए और भी नए नए वीडियो में लेके आऊँ, ताकि आप लोग अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स ईजिली खरीद पाओ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो और अगर ये थोड़ा सा भी आपके लिए यूजफुल रहा हो, so do not forget to give a like, share with your friends and family, and do subscribe to my channel. And also hit the bell icon to get the notifications as soon as I upload new. And yes, stay tuned for more upcoming videos. Thanks for watching.